हमारे आज एक घटना हो गई, लड़का सांप ने काट लिया, निखिल शर्मा नाम है उसका। और जहाँ कोई भी जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, इस हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ से लड़का हम लेके जा रहे थे, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अगर जहाँ कोई मेडिकल स्टाफ का होता, जहाँ उसको अगर इंजेक्शन जहाँ कुछ किया जाता, तो क्या पता वो बच्चा बच भी सकता था। डीसी को भी ये मैसेज देना चाहते हैं और गवर्नर साहब को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम ये इतनी बिल्डिंगें आपने बनाई है, तो कम से कम इसमें स्टाफ होना चाहिए। ताकि गरीब जनता को बोलते हो आप कि हम गरीब जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे रास्ते में लोगों की मृत्यु हो रही है, कोई इसमें हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है। कम से कम भी 15 दफ़ा हम इनके लिए, हमारे डेपुटेशन भी गए, कम से कम इसके लिए जहां हॉस्पिटल में स्टाफ होना चाहिए। गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इसमें स्टाफ जल्दी से जल्दी 2-4 दिन के अंदर जहां स्टाफ लगाया जाए, नहीं तो लोग धरने पे उतर जाएंगे। लॉकडाउन साइड में रहेगा, लोग धरने पे जहां रोड पे बैठ जाएंगे और रोड को बंद कर देंगे। मैं मोहन लाल कंथान ए पंचायत से। आज जो हमारे इस पंचायत के अंदर मोड़ा चेबड़ में एक कैजुअलिटी हुई है, उस लड़के का नाम है निखिल शर्मा, पुत्र है बलदेव राज शर्मा का। तो ये कैजुअलिटी जो हुई आज ये सांप के काटने से हुई है। इस बच्चे को सांप ने 1.5 बजे काटा और इसकी मृत्यु जो है 3:30, 3:45 बजे हो गई। रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। हमारी जो बिल्डिंग इधर बनी है हॉस्पिटल, अगर कोई एंटीबायोटिक होती, कोई डॉक्टर होता, तो ये कैजुअलिटी आज ये बच्चा हमारे बीच में रहता। एक नर्स रहती है, उसके पास एंटीबायोटिक की दवाई है ना, कोई इंजेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी वाले ब्लॉक लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जगाना चाहता हूँ कि ऐसी थोड़ा वो सोए हुए हैं वो जागो, और हमारे साथ जो अत्याचार है ऐसे अत्याचार नहीं होने चाहिए।